मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12 साल की मासूम के साथ दरिंदगी के वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी भरत सोनी का अब खैर नहीं, अब भरत सोनी का बचना नामुमकिन है। दोस्तों, पूरे देश भर के लोग इस घटना को लेकर विरोध जता रहे हैं। ना केवल देश भर के लोग बल्कि बताया जा रहा है भरत सोनी के पिता राजू सैनी ने जो बयान दिए हैं उसके बाद तो मानो कि चारों तरफ हंगामा मच गया है। अब दोस्तों, भरत सोनी के तमाम परिवार वालों का भी कहना है कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों, उज्जैन के अंदर किस तरह से 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ घिनौना हरकत करा गया। वो बच्ची खून से लथपथ कपड़े में 8 किलोमीटर दूर तक लोगों से दया की भीख मांगती रही, किसी ने भी उसका मदद नहीं किया। बाद में मंदिर के एक पुजारी ने उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। आपको बता दूं दोस्तों, उस बच्ची का स्थिति बताया जा रहा है फिलहाल बहुत ज्यादा नाजुक है। लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है आरोपी भरत सोनी पुलिस की हिरासत में है। उज्जैन पुलिस का भी कहना है कि इस दुष्ट को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं आपको बता दूं, उज्जैन के आम आदमियों का भी कहना है कि इस बच्ची के साथ जो हुआ है वो सच में बहुत ही शर्मनाक है। इसने इंसानियत को शर्मसार करने का काम करा है। आपको बता दूं दोस्तों, ये घटना पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और पूरे देश भर के लोग इस घटना के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। लोगों का यही कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी ऐसे दुष्टों को नहीं छोड़ना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कहना है कि जिस दुष्ट ने इस हरकत को अंजाम दिया है, इस मासूम बच्ची की जिंदगी को बर्बाद करने का काम किया है, उस दुष्ट भरत सोनी को नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि दोस्तों, आरोपी भरत सोनी के बारे में बताया जाता है ये ऑटो चालक था। देर रात को लाइसेंस ना होने के कारण ये ऑटो चलाता था। हालांकि इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों, पहले इसने इस तरह के वारदात को अंजाम नहीं दिया था, लेकिन इस बार जिस तरह से मध्य प्रदेश के उज्जैन में इस दरिंदगी के वारदात को अंजाम दिया गया है, इसके बाद से चारों तरफ से लोग विरोध जता रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आरोपी के पिता का कहना है कि मेरे बेटे को सीधा फांसी पे टांग दो, इसके अलावा इसे कोई दूसरा तीसरा सजा मत देना। अब दोस्तों देखते हैं आरोपी के पिता का जो बयान निकल कर सामने आया है, जिस तरह से राजू सैनी ने अपना बयान दिए हैं, इस बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या फैसला करते हैं। फिलहाल आगे हम लोगों को भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी इस तरह के और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहना, जुड़े रहना। जय हिंद।